अलैकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर, और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ढाका फिश की। ढाका फिश बनाने के लिए यहाँ मेरे पास फिश है हाफ के जी। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया और इसे अच्छी तरह खुशक कर लिया है। ओके, आपने उसके ऊपर कोई फिश के ऊपर कोई हैवी चीज रख देनी है ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए, क्योंकि जितनी अच्छी फिश ड्राई होगी उतनी ही अच्छी मैरिनेशन होगी। ये 2 स्टेप्स में है। पहले स्टेप में हमने इसकी मैरिनेशन करनी है और सेकंड स्टेप हमारा बैटर का है। काली मिर्च 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, लेमन जूस 5 से 6 टेबल स्पून, लहसुन मेरे पास क्रश्ड है 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, नमक 2 टेस्ट, यहाँ पर मैं मैरिनेशन में जो डालूंगी वो 1 टीस्पून है, सुरख मिर्चे हैं वो भी 1 टीस्पून भर के है। आपको यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा लग रही होगी, मसाले कुछ इसके अंदर बैटर के अंदर जाएंगे इसलिए मैंने एक ही जगह कर दिए हैं। ये वाली रो हमारी बैटर की है। मैदा है 3 टेबल स्पून, बेसन 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, एक अंडा जाएगा, 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून भर के नमक है और 1 टीस्पून ही भर के सुरख मिर्चे है। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं इसकी। सबसे पहले हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन में लेमन जूस, जीरा, लहसुन, काली मिर्चे, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अजवाइन ये भी 1 टीस्पून, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो गया है, इसको मैं 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूंगी। जी, मछली मैरिनेट हमने कर ली थी। अब यहाँ पे इसको हम बैटर बनाएंगे। बेसन, सनफ्लावर, मैदा, अजवाइन, सॉल्ट, सुरख मिर्ची 1 टीस्पून भर के, लेमन जूस, एक अंडा, पहले से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। ये बैटर भी बहुत थिक है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी 2 टेबल स्पून पानी और मजीद ऐड करूंगी। यहाँ मैं आपको एक चीज सिखाना भूल गई थी कि इसके अंदर जो है वो तिल जाएंगे। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये है कि फिश को आप जब बैटर के अंदर डिप करेंगे तो आपको तिल के अंदर रोल करना पड़ता है। मैं यहाँ तिल के अंदर रोल नहीं करूंगी, बल्कि 1 टेबल स्पून जो तिल है वो बैटर के अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपको तिल पसंद है तो आप इसको बैटर के अंदर में डिप करके उसके बाद फिश को जो है तिल के अंदर रोल कर सकते हैं। क्वार्टर कप पानी आप इसके अंदर हम डालेंगे। हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। मैं तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये मछली के पीसेस को मैं लूंगी, उसका बैटर के अंदर हम डिप करेंगे। बैटर आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी मछली जो है वो पूरी तरीके से कोट हो जाए, ठीक है। अब मैं इसे जो है फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। जी, तेल गर्म हो चुका है। गोल्डन हो जाए फिर मैं इसे टर्न करूंगी और डाल के साथ में इसमें चम्मच नहीं चलाना वरना इसकी सारी फोटो निकल जाएगी। नाइस गोल्डन कलर के हो गए, इसे मैं हम निकाल लूंगी। जी, ढाका फिश हमारी रेडी है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगा कीजिएगा। बेशक समय रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई सीधी वीडियोस और रेसिपीज मिल सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।